समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। करहल थाना क्षेत्र में एक बड़ा जमीन का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम समेत 378 लोगों के खिलाफ डीएम के आदेश पर थाना करहल में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। पूरा मामला करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम सहन का है। जमीन घोटाले का मामला विकास खंड करहल के ग्राम सहन का है। ग्राम सहन की ग्राम प्रधान अनीता देवी पत्नी सोबरन सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पूर्व प्रधान नीलू देवी के कार्यकाल में आवंटित किए गए पट्टों की जांच कराए जाने की मांग की जिला प्रशासन से की है। इस जांच में व्यवधान भी डाला गया, मगर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी के सतपाल सिंह की मेहनत रंग लाई। जांच में पाया गया कि समाज की 1100 बीघा जमीन के पट्टे पात्रों को कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पीके उपाध्याय के आदेश पर तहसीलदार सुशील कुमार ने धोखाधड़ी और साजिश रचने की रिपोर्ट तत्कालीन एसडीएम विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार सुरजीत एवं राजस्व विभाग की टीम सहित 378 लोगों के विरुद्ध थाना करहल में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। 1100 बीघा जमीन का घोटाला प्रकाश में आते ही प्रशासन से लेकर गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वर्तमान उप जिलाधिकारी राम रतन वर्मा ने क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। करहल कस्बे में एक गाँव पड़ता है सहन, उसमें ग्राम प्रधान ने शिकायत की थी, जिसमें जिलाधिकारी मैनपी ने जांच बताई थी, उसमें एक घोटाला निकल के आया था। तो क्या पूरा मामला है, इसमें कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है और अब इस समय क्या स्थिति है? ग्राम सहन में भूमि का कुछ आवंटन किया गया था, उसकी शिकायत गांव प्रधान पूर्व प्रधान ने की है, जिस पर उच्च स्तरीय समिति ने जाँच की। जाँच के आधार पर और लगभग 378 आदमियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है और जो आगे की कार्रवाई संगत कार्रवाई इसमें जारी है। सर कितने बीघा जमीन है?